सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट बिटवीन रिविट्स एंड बोल्ट्स। रिविट्स और बोल्ट्स में डिफरेंस क्या है, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि रिविट्स होल, ठीक है। रिविट्स होल हम इसे डिनोट करते हैं डी से। तो सबसे पहले क्या है कि हम इसमें जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो कैसे निकालते हैं रिविट्स होल में, तो इसके लिए क्या होता है कि नॉमिनल डायमीटर, तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, डिनोट करते हैं डी को नॉमिनल डायमीटर। और इस टी को ये हो गया ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करना है, तो अब हमें ग्रॉस डायमीटर निकालना है, तो वो हम कैसे तो जो टी होगा हमारा ये हो जाएगा डी प्लस 1.5 mm। ये कब होगा? जब हमारा डी का वैल्यू जो है वो डी का वैल्यू हो जाएगा लेस देन 25 mm। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है फिर हम डी इक्वल टू डी प्लस 2 mm। ये कब होगा, ये जब हमारा डी ग्रेटर देन 25 mm होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिविट्स का हो गया रिविट्स होल का। अब हम जानते हैं वॉल्ट्स का, ये हमने रिविट्स का किया। चलिए आप देखते हैं वॉल्ट होल, इसे हम डीओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी हम करते हैं पहले इसको डिजाइनिंग से मानते हैं, जो डी होगा वो नॉमिनल डायमीटर, इसमें स्मॉल डी नॉमिनल डायमीटर। इसके बाद ये जो होगा डी जीरो, ये हो जाएगा ग्रॉस डायमीटर। ओके, तब हमें क्या निकालना है इसमें कि जो ग्रॉस डायमीटर होगा, कहने का मतलब डी जीरो जो होगा उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो डी जीरो ये हो जाएगा डी प्लस 1 mm। ये कब होगा, जब डी का वैल्यू लेस देन 14 mm। डी जीरो डी प्लस 2 mm ये कब होगा, जब डी का वैल्यू 26 mm से लेस होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है डी जीरो डी प्लस 3 mm, ये कब होगा, जब डी ग्रेटर देन रहेगा 26 mm। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक